गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया था, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइजेस गिवन इन द एनसीईआरटी चैप्टर 1 केमिस्ट्री। हम क्या करेंगे, हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 1 to 12। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, दैट विल बी पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 13 to 24, एंड पार्ट सी विल बी कंटेनिंग क्वेश्चन नंबर 25 to 36। सही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज वेरी इजी, यू कैन डू इट ओनली। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको इस टर्म का ध्यान रखना है, दिस इज मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रहे, जब भी एटॉमिक मास पूछे तो यूनिट यू, यानी कि यूनिफाइड मास। मॉलिक्यूलर मास पूछे तो भी यूनिट यू, या फिर इसके साथ साथ आप एक और यूनिट यूज कर सकते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है, दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एक यूनिट और हम यूज करते हैं, दैट इज फॉर मोलर मास, दैट इज फॉर मोलर मास, एंड दैट यूनिट इज ग्राम। तो ध्यान है, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, यानी कि यूनिट हम क्या रखेंगे, यू। चलिए ये देखते हैं, पहला H2O, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, टू एटम्स का मास 2, ऑक्सीजन का 16, ऐड कर दीजिए कितना आ गया 18, सही है। दूसरा देखिए CO2, कार्बन 12, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, कितने एटम है यहाँ पर 2, तो 32 एंड 12, दैट इज 44। नेक्स्ट वन इज मीथेन, कार्बन 12, हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1, 4 एटम का मास 4, 12 + 4 = 16, कर सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। बहुत सिंपल सा है, हमें हर एक एलिमेंट का मास परसेंट निकालना है। देखिए सोडियम सल्फेट किससे किससे बना है, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन, यानी कि हमें बताना है कि सोडियम सल्फेट में कितना परसेंट सोडियम होता है, कितना परसेंट सल्फर होता है और कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है। तो पहला काम परसेंटेज मास ऑफ सोडियम। तो देखिए सोडियम का मास, सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है 23, सल्फर के एक एटम का मास 32 और ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है ना। परसेंटेज मास कैसे निकालते हैं, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास मल्टीप्लाई बाई 100, 100 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, और जिसका हमें परसेंटेज निकालना होता है वो वैल्यू ऊपर रखते हैं और नीचे हमेशा क्या रखते हैं हम, टोटल वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सोडियम। अच्छा सोडियम के देखिए कितने एटम है इसमें, हाँ ध्यान से देखिए, दो एटम है ना। सोडियम के एक एटम का मास अगर 23 है तो दो एटम का मास 46, तो आप यहाँ लिखेंगे 46, मास ऑफ सोडियम विल बी 46। अब हमें क्या चाहिए, टोटल मास। तो देखिए सोडियम का टोटल हो गया 46, सल्फर के एक एटम यानी कि 32 और ऑक्सीजन के 4 एटम यानी कि 16 × 4 = 64, सबको ऐड करिए देखिए 96 एंड 6 102, राइट, हाँ टोटल 142। तो आप लिख लेंगे 46/142 × 100, फिर सॉल्व कर देंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी, कर सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम किसका कैलकुलेट करेंगे, सल्फर का परसेंटेज मास ऑफ सल्फर। क्या लिखेंगे, मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एक ही एटम है ना, देखिए सोडियम सल्फेट इसमें सल्फर का एक ही एटम है तो कितना मास आएगा, हाँ 32/ टोटल मास अभी हमने निकाला था कितना आया 142 × 100, सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 22.53%। इसी तरह ऑक्सीजन का बताइए कितना आएगा, हाँ बहुत सिंपल, ऑक्सीजन के 4 एटम है यानी कि ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 64, टोटल मास कितना आएगा 142 × 100, सॉल्व कर देंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन 64/ टोटल मास 142 × 100, वैल्यू कितनी आएगी 45.07%, कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। डिटरमाइन द इम्पीरिकल फॉर्मूला, हमें कौन सा फॉर्मूला निकालना है? इम्पीरिकल फॉर्मूला। इम्पीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें पता, अगर हमें मोल रेशियो मिल जाए, क्या? हाँ, मोल रेशियो मिल जाए तो इम्पीरिकल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। इनके हमारा टारगेट होगा हम पहले क्या निकालें, मोल रेशियो। चलिए क्या दिया है, ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्साइड दो हो सकते हैं, एक हो सकता है फेरस ऑक्साइड, दूसरा हो सकता है फेरिक ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड क्या होता है? FeO होता है, और फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? Fe2O3। फेरस ऑक्साइड में हम आयरन की जो वैलेंसी होती है कितना लेते हैं? 2+, और फेरिक में हम कितना लेते हैं? 3+। खैर आपको इस सब के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हम पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में देख के आएगा सर ऑक्साइड ऑफ आयरन यानी कि फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड, तो आपको ये नहीं लिखना डायरेक्ट आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला लिख दे, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के दो फॉर्मूले होते हैं। यहाँ कौन सा लगेगा ये कैसे पता चलेगा? हाँ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, विच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाई मास, यानी कि हमारा वो जो भी कंपाउंड है वो आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हमने ले लिया आयरन ऑक्सीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हमें परसेंटेज दिया हो मास का, हम क्या करते हैं, मास को हमेशा 100 ग्राम मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? ताकि मेरी कैलकुलेशन सिंपल रहे, और जितना परसेंटेज दिया है मास उतने ही ग्राम हमारी वैल्यू आ जाती है। तो हमने क्या कर लिया, पहला काम हमने मान लिया, लेट द टोटल मास बी 100 ग्राम। अब कंपाउंड मेरा आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, बना है ना। तो देखिए, आयरन दिया 69.9%, यानी कि मास कितना हो गया 69.9 ग्राम। ऑक्सीजन दिया है 30.1%, यानी ऑक्सीजन का मास कितना आएगा 30.1 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है, आ रही है ना। तो ये देखिए क्या आ गया हमारा मास रेशियो, हमें क्या चाहिए, मोल रेशियो। तो मास से मोल बनाना है, हाँ क्या करेंगे, डिवाइड बाई मोलर मास। तो 69.9 को डिवाइड करेंगे, आयरन का मोलर मास कितना आएगा 56, और 30.1 को डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन का मोलर मास यानी कि 16। सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको वैल्यू मिलेगी 1.24 एंड 1.88। कितना मिलेगा? 1.24 एंड 1.88। क्या ये रेशियो सिंपल रेशियो है? नहीं, हमें मोल रेशियो में भी कैसे रेशियो चाहिए, सिंपल रेशियो। हमें मोल रेशियो तो मिल गया, ये जो रेशियो है दिस इज आवर मोल रेशियो, लेकिन हमें ये रेशियो नहीं चाहिए, हमें तो सिंपल रेशियो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसे डिवाइड करते हैं। तो छोटा नंबर से डिवाइड करिए, इसमें छोटा नंबर कौन है, 1.24, इसको डिवाइड करेंगे ये क्या बन गया 1, इसको डिवाइड करेंगे आप देखेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मेरे पास नया रेशियो आ चुका है, वो रेशियो क्या है, 1:3/2। क्या ये रेशियो सिंपल है? नहीं, तब हम क्या करें, इस 2 को इधर लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये कितनी हो जाएगी 2, और ये कितना बचेगा 3, यानी कि हमें रेशियो क्या मिलेगा 2:3। ये 2 किसका है, आयरन का, तो क्या बन गया Fe2। ये 3 किसका है, ऑक्सीजन का, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा O3, यानी कि हमारा कंपाउंड होगा Fe2O3। एक तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आप चाहें तो, अगर आप भूल गए कि हमें ये कैसे करना है, वैसे तो छोटी सी बातें भूलेंगे नहीं आप, फिर भी अगर भूल जाते हैं तो आपको यहाँ से कंपाउंड क्या मिलेगा, Fe का 1 है तो Fe रख दिया हमने, ऑक्सीजन कितना है 3/2। अब आप हमें ये बताइए, कभी आपने कोई फॉर्मूला देखा है जिसमें फ्रैक्शन में टर्म्स लिखे गए हो, नंबर ऑफ एटम्स? नहीं ना। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 2 को उठा के इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा Fe2, और ऑक्सीजन कितना बचा 3। देखिए फिर से वही आ गया, हाँ कर सकते हैं, तो हमारा कंपाउंड बन गया Fe2O3। इसका यही इंपीरिकल फॉर्मूला है, सिंपल मोल रेशियो आ गया 2:3। अब क्योंकि सिंपल रेशियो आपको पता है इसलिए इंपीरिकल फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे Fe2O3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट। जब हम 1 मोल कार्बन जलाएंगे तो पूछ रहा है, बताइए कितना हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, उसका ये अमाउंट पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अमाउंट, यानी कि हमसे मास पूछा जा रहा है। तो ठीक है, पहला काम क्या करते हैं, हम रिएक्शन लिख लेंगे। कार्बन का बर्निंग दिया ना, कम्बस्टन, कम्बस्टन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो क्या मिलेगा हमें CO2 गैस।
अब बताइए एक मोल कार्बन से हमें कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, एक मोल। अब बताइए एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको मोल पता है, मास निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 × मोलर मास ऑफ CO2, 44 ग्राम आता है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। यानी कि पहले का आंसर आपका कितना आ गया, 44 ग्राम। देखिए क्या दिया है, फ्रॉम द एबव इक्वेशन आप कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन से हमें 1 मोल CO2 मिलता है ना। तो बताइए मोल्स आपको पता है, आपसे मास पूछा जा रहा है। जब भी मोल से हम कुछ और कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 × मल्टीप्लाई बाई मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ CO2 देखिए कार्बन का 12, ऑक्सीजन का एक एटम का 16, दोनों का मिला के 32, टोटल कितना आएगा 44। मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ गया, 44 ग्राम। ये है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। 1 mole of carbon is burnt in 16 gram of dioxygen। अच्छा ऊपर वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक के बारे में डिटेल दी गई थी, किसके बारे में, कार्बन। ऑक्सीजन कितना इस बारे में कोई कमिटमेंट नहीं था, तो हमने मान लिया कि हमें जितनी ज़रूरत है सब ऑक्सीजन है। क्या था, जितना ऑक्सीजन है सब हमें मिल जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, कार्बन की भी अमाउंट दी गई है और ऑक्सीजन की भी। इसका मतलब हाँ, इसलिए हमें चेक करना होगा दोनों में से कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो पहले ही फिनिश हो जाए। अगर कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट है तो कोई बात ही नहीं, कार्बन तो पूरा जल जाएगा। अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो हाँ, कितनी अमाउंट ऑफ गैस बनेगी वो किस पर डिपेंड करेगा, उस लिमिटिंग रिएजेंट पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, सिंस मास या अमाउंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स आर गिवेन, देयरफॉर क्या हो गया, यस देयरफॉर फर्स्ट वी विल फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट लिखने के लिए हमें इक्वेशन लिख लिया जाए, कार्बन, इसको साफ साफ हम यहाँ लिख देते हैं ना। देखिए कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस एंड गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन तो सब लिख लेंगे। अब देखिए हमें कुछ डिटेल्स दी गई है, ये है हमारा 1 मोल कार्बन, कितना है 1 मोल कार्बन। अच्छा 1 मोल कार्बन का मास लिख लीजिए, देखिए कितना आएगा, हाँ मास कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए कार्बन का ना 12 ग्राम आ जाएगा, यहाँ रख लेते हैं हम लोग। ये हमें दिए 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, ठीक है, और हमसे ये पूछा जा रहा था, हम इसको छोड़ देते हैं। आइए अब देखिए हम लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए पहला काम क्या करते हैं, हाँ इनके ही कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज को। तो पहले इसके मोल्स आपको पता है 1, इसका मोल नहीं पता है, तो आप पहले इसको मोल्स निकालिए। 16 डिवाइडेड बाई, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास 16 अपॉन मोलर मास ऑफ O2, ध्यान रहे मोलर मास ऑफ O2 कितना आता है 32। इसको डिवाइड करिए, देखिए आपकी वैल्यू आएगी 0.5, हाँ कितना आएगी 0.5। क्या हम यहाँ से, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 0.5 है, क्या हम यहाँ से देख के बता सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नहीं। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम ये वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भी डिवाइड करना पड़ता है। तो करिए इसके कोएफिशिएंट कितना, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसका भी कोएफिशिएंट कितना, 1, तो ये 0.5 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये भी कितना आएगा 0.5। बताइए वैल्यू किसकी छोटी है, इसकी छोटी है ना, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा, 16 ग्राम डाइऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो चलिए लिख लेते हैं, दिस इज आवर LR लिमिटिंग रिएजेंट। अब हमें ये बताइए हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे बेस्ड होगा, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे, हाँ लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि ऑक्सीजन पे। तो बताइए रिएक्शन देख के बताइएगा, 1 mole carbon 1 mole oxygen से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलता है, 1 mole CO2 मिलता है। तो लिख लीजिए 1 mole O2 gives us 1 mole CO2, देखा ना। अब बताइए क्वेश्चन हमें कितना दिया गया है, ओके रिएक्टेंस, ओके 16 ग्राम दिया ना, ठीक है।
तो अगर ग्राम में दिया है तो ग्राम में ही डील कर लीजिए। देखिए वैसे इससे भी हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी होगा, आपको इससे भी बता देते। देखिए वन मोल ओ टू से वन मोल सी ओ टू मिला, तो आप पहले मोल्स ऑफ ओ टू निकालिए। 16 ग्राम का कितना आया था, 0.5 मोल। तो बताइए 0.5 मोल ओ टू से कितना मिलेगा आपको, 0.5 मोल सी ओ टू भी मिलेगा। क्योंकि देखिए जब एक मोल ओ टू लिया आपने तो एक मोल सी ओ टू मिला, तो आधा मोल ओ टू लेंगे तो आधा मोल सी ओ टू मिलेगा। अब मोल्स को क्या बना लीजिए, मास। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, सी ओ टू का मोलर मास कितना आएगा, 44। मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, 22 ग्राम। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा एक छोटा सा तरीका और भी था, क्या, इनका मास रेशियो लिख लीजिए, मास वाला। देखिए ऑक्सीजन का मास कितना आएगा यहाँ पर, 32 ग्राम। ये कितना आएगा, 44 ग्राम नॉर्मल रिएक्शन से। यानी कि 32 ग्राम O2 से हमें क्या मिलता है, 44 ग्राम CO2। अब हमसे कह रहा है बताइए 16 ग्राम के लिए, तो पहले हम 1 ग्राम के लिए लिख लेंगे कितना आ जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 32 ग्राम आ जाएगा ना। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन में पूछा है 16 ग्राम के लिए, तो हम लिखेंगे 16 ग्राम के लिए 44 अपॉन 32 मल्टीप्लाइड बाई 16 ग्राम CO2। 16 से इसको डिवाइड करिए 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, 22। यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 22 ग्राम CO2। क्या दोनों तरह से आंसर सेम आया, हाँ। वो थोड़ा सा क्या था, पहले मोल्स कैलकुलेट करेंगे, मोल्स निकालने के बाद फिर उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। अब मास का रेशियो लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर दोनों ही से क्या आएंगे, सेम आएंगे। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या रखना था, क्योंकि आपको दोनों ही रिएक्टेंट के बारे में उसने कुछ ना कुछ कह रखा है, अमाउंट मोल्स में या मास में दे रखा है, तो पहले आपको चेक करना होगा दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सो आंसर तो यहाँ नहीं दिया, देखिए नेक्स्ट पेज पे शायद दिया हो। देखिए आंसर है 22 ग्राम CO2, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और देखिएगा, इस क्वेश्चन में ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी कि ये पहले ही खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक मोल कार्बन है, लेकिन पूरा कार्बन जलेगा नहीं, बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगर हम कह दें कि मेरे पास 10 मोल कार्बन है और 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, यही केस बतना ही है, और आप बताइए CO2 कितना बनेगा, तो उसका भी आंसर कितना आएगा, 22 ग्राम ही आएगा। अब बात को समझिए, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब ये पहले ही खत्म हो जा रहा है, तो आप चाहे इसको 10 मोल रखिए, 100 मोल करिए या 1000 मोल, जलेगा ही नहीं ये। जब ये जलेगा नहीं तो CO2 मिलेगा ही नहीं हमें, यानी कि अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया और एक्सेस रिएजेंट का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं तो उससे हमारे प्रोडक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, प्रोडक्ट का अमाउंट एकदम फिक्स रहेगा। बात समझ में आ गई। चलिए बात कुछ ऐसी है कि लिमिटिंग रिएजेंट एक बार ख़त्म हो गया तो रिएक्शन बंद हो जाती है, उसके बाद आपके पास चाहे जितना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को आप ओवरऑल देख लीजिए, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्नड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन के अमाउंट अभी भी वही रखी गई 16 ग्राम, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट यही है, उसमें अगर हम 2 मोल कार्बन जलाएं तो बताइए क्या पूरा कार्बन जलेगा, नहीं जलेगा, वो तो पहले ही खत्म हो जाएगा, कौन, ऑक्सीजन गैस। यानी कि इससे भी हमें कितना मिलेगा, 22 ग्राम CO2 ही मिलेगा। अगर ये 5 मोल कर दे तो भी उतना ही रहेगा, 10 मोल कर दे, 50 मोल कर दे तो भी उतना ही रहेगा। ये वैल्यू पता है कब बदल जाएगी, हाँ जब ये डाई ऑक्सीजन की जो अमाउंट 16 ग्राम है ये अगर हम बदल दें, अगर हम ये बदल देंगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, कार्बन ज़्यादा जलेगा, कार्बन ज़्यादा जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी क्या होगी, ज़्यादा मिलेगी। समझ में आ रही है मेरी बात। चलिए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है, आप फिर से वही देख लेंगे, इसमें भी लिमिटिंग रिएजेंट O2 आएगा, फिर ये पूरा कैलकुलेशन वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONa रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये तो आप हंसते खेलते कर लेंगे। देखिए
मोलैरिटी का फॉर्मूला, एक तो बेसिक फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था, हाँ दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, नहीं आप लीटर में के मिलीलीटर में के ऊपर करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। एक तो ये तरीका था, दूसरा तरीका हमने कहा था क्योंकि हम बार बार मास को रखना पड़ता है तो हम इसको मास में कन्वर्ट कर लें, ये क्या बन जाएगा W2 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और हमें ये भी पता है बार बार हमें जो वॉल्यूम दी जाती है किसमें दी जाती है, मिलीलीटर में, हम इसको किसमें बना लें मिलीलीटर में, क्योंकि आप लीटर को मिलीलीटर बना रहे हैं तो क्या करना होगा मल्टीप्लाई बाय 1000। और हमने कहा था इस फॉर्मूले को अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब हमें जो जो डिटेल्स दी गई हैं आप रख लीजिए, ये वैल्यू आपको पता है 0.375 आपको दिया गया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपसे बोला गया निकालने के लिए N2000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सोडियम एसीटेट है यानी कि CH3CONa है, ठीक है इसका मोलर मास, कार्बन 12 हाइड्रोजन 14 15 एंड कार्बन 12 27 एंड 32 59 एंड सोडियम 23, देखिए कितना आएगा 82 आएगा क्या 8 हाँ 82, तो मोलर मास तो हमने रख लिया 82 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है, देखिए कितना दिया है 500 ml, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 500। अच्छा 500 और 1000 को कैंसिल करिए कितनी बार में, 2 times में, इसको इससे कैंसिल करिए कितनी बार में 41 times में। अब देखिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल गया 0.375 इज इक्वल टू W2 अपॉन 41। तो आप यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट W2 निकाल लेंगे, कैसे इस 41 को इधर लेके आएंगे, इधर ये 41 कैसे है डिवाइड में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 0.375 मल्टीप्लाइड बाई 41। इस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे, आई थिंक 12 के अराउंड आनी चाहिए वैल्यू, 12-13 के आसपास। किधर गया कैलकुलेटर, ओके सो 0.375 मल्टीप्लाइड बाई 41 शुड बी इक्वल टू 15.375, तो ये क्या आएगा, हाँ दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि सोडियम एसीटेट। हमें 500 ml लिक्विड में जब हम इतने ग्राम सोडियम एसीटेट मिलाएंगे तो उसकी मोलैरिटी कितनी आएगी 0.375 के आसपास आएगी। कर सकते हैं, बस ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे और आपको करना पड़ेगा। किधर गया, ठीक है ये तो हो गया था ना सॉल्व, आंसर यहाँ नहीं है, हाँ देखिए आंसर यहाँ पे 15.375 ग्राम, यही है हमारा मास ऑफ सोडियम एसीटेट। कर सकते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है देखिए, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलैरिटी, क्या होता है मोलैरिटी, अभी कैसे आपको पता चलेगा यूनिट से, अभी आगे दिया होगा ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर, आप बताइए मोल्स पर लीटर किसकी यूनिट है, हाँ मोलैरिटी की है। इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर, आपको डेंसिटी दिया गया है, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड भी दिया है कितना 69%। अब देखिए जब भी मास परसेंट दिया होता है हम क्या करते हैं उसको, हाँ 100 ग्राम कंपाउंड मान लेते हैं, हमने मान लिया लेट द मास ऑफ सैंपल बी 100 ग्राम, मान सकते हैं ना, तो बताइए मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितनी हो जाएगी 69 ग्राम, क्यों, क्योंकि 69% था, अगर यहाँ पर 62% होता तो मास कितना ले लेते हैं हम 62 ग्राम। बात यहाँ तक समझ में आ रही है, चलिए अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है,
और डेंसिटी ओके 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। तो बस अब क्या करिए, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, कौन सा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो सॉल्यूशन का मास लेंगे और सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम लेंगे, ले सकते हैं। अब देखिए ये तो रही हमारी डेंसिटी 1.41, ये है हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन 100। अभी आप सोच रहे हो सर ये तो दिया नहीं था, हमने माना ना लेट द मास ऑफ द सैंपल बी 100 ग्राम, आपने पूरे कंपाउंड का मास कितना माना है 100 ग्राम, तो वही तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन है, सही है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं क्या, निकाल लीजिए कैलकुलेट करके, देखिए कितना आ जाएगा, इतनी आ जाएगी वैल्यू, किस में मिलीलीटर में। अच्छा ये यूनिट मिलीलीटर में क्यों आई, क्योंकि डेंसिटी देखिए किस में दिया है ग्राम पर मिलीलीटर। दूसरी चीज मास ऑफ सॉल्यूशन भी किस में दिया है, 100 ग्राम हमने माना है तो ग्राम में है, तो ये वैल्यू किस में आएगी मिलीलीटर में, तो हमें क्या मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। बस अब क्या करना है मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये 1000 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिखे हैं मिलीलीटर, अगर हम यहाँ लीटर लिख देंगे तो ये 1000 क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है कितना 69 ग्राम, हमने मान रखा था 69% यानी कि 69 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमारी कौन सी है नाइट्रिक एसिड है ना, कैलकुलेट करिए देखिए हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 14 एंड ऑक्सीजन 16 3 जा 48 एंड 14 कितना 62 होता है प्लस 163, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 63 इंटू 1000 अपॉन V3 इन ml, कैलकुलेट किया था हमने उस वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये अपॉन का अपॉन है तो ये टर्म कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो सॉल्व कर लीजिए देखिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी। फिर देखिए 1 2 3 1 2 3 जीरो से जीरो उड़ा दीजिए, क्या बचेगा आपको ऊपर 69 बच जाएगा और 141 नीचे क्या बचेगा 63 × 10 यानी कि 630 बचेगा। फिर क्या करें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी कितना 15.44 मोल्स पर लीटर। अच्छा ये तो था पूरा कॉन्सेप्ट, ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट, क्या हम इसको छोटे तरीके में भी कर सकते थे, हाँ कर सकते थे। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, डेंसिटी दिया था ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट दिया है हाँ, और यहाँ से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे नाइट्रिक एसिड का, निकाल सकते हैं ना। तो बस चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हमने मोलैरिटी का एक फॉर्मूला वेट बाय वेट परसेंट में बनाया था, क्या था वो 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वेट बाई वेट परसेंट अपॉन हाँ अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वैल्यू रखिए 10 डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.41 वेट बाई वेट परसेंट कितना दिया है 69 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अभी तो हमने कैलकुलेट किया था कितना आया था 63, इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा कितना 14.1 इंटू 69 अपॉन 63, इसको कैलकुलेट कर लीजिए देखिए कितना आ रहा है 14.1 मल्टीप्लाइड बाई 69 दैट इज इक्वल टू 972.9 डिवाइडेड बाई 63, यस दैट इज इक्वल टू 15.44, आंसर कितना आ रहा है 15.44, क्योंकि मोलैरिटी है तो आप यूनिट क्या लिखेंगे मोल पर लीटर, या क्या लिख सकते हैं मोलर लिख सकते हैं, तो आ गया आंसर। तो देखिए ये रिलेशन का जो डेरिवेशन हमने कराया था वो इसीलिए कराया था ताकि आप अपना टाइम बचा सके, तो फॉर्मूले तो अब आपको ही याद रखने होंगे। देखिए दूसरा मेथड भी यहाँ पर आपको दिया गया है, आप चाहे तो इसको भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन
फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अपने एक कॉपर सल्फेट इक्वेशन लिख लीजिए, तो ये कॉपर सल्फेट का जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो क्या मिलेगा आपको, कॉपर आयन और सल्फेट आयन मिलेगा ना। हाँ, तो देखिए ये जो कॉपर सल्फेट है, आप इसका मोलर मास निकालिए, ये कितना आता है, 159.5 आता है। कितना, 159.5। कैसे पता चलेगा, वो तो आपको निकालना पड़ेगा ना। देखिए कॉपर का मास होता है 63.5 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन के 4 एटम यानी 16 + 64 = 96 and 3 = 99 and 61 = 59.5। अब देखिए इसके 159.5 ग्राम से आपको कॉपर आयन मिलेगा, कॉपर आयन का मास अभी हमने बताया कितना, 63.5 ग्राम। अभी आप सोच रहे होंगे सर वो तो कॉपर एटम का मास है। हाँ, कॉपर आयन और कॉपर एटम मास हमेशा हम सेम लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये आयन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, 2+ यानी कि दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर रखे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कॉपर प्लस, कॉपर 2+, कॉपर, इस सब का मास, तो सबका हम कितना लेते हैं, 63.5 ग्राम ही लेंगे, सही है। हाँ, एक नया चीज़ आपको सीखने को मिली, आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए हमारा रिलेशन मिल गया हमें, कितना, 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट से हमें 63.5 ग्राम कॉपर मिलता है। तो बताइए 1 ग्राम कॉपर सल्फेट से इसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन हमें 1 ग्राम के लिए नहीं चाहिए, हमें किसके लिए चाहिए, 100 ग्राम के लिए। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट गिव्स अस, क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 63.5 × 100 / 159.5 ग्राम ऑफ कॉपर, इसको मल्टीप्लाई करिए देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6350 / 159.5, इसे कैलकुलेट कर लीजिए, सो दिस इज 6350 / 159.5, दिस इज गोइंग टू बी 39.81 ग्राम। यानी कि आपको कितना कॉपर मिलेगा, 39.8 ग्राम कॉपर मिलेगा। आप चाहे तो एग्जैक्ट लिख लीजिए 39.81 समथिंग, या फिर 39.8 ग्राम अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर सही है। अगर आपका डेसिमल में एकाध डिजिट मैच नहीं कर रहा आपके आंसर से, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको आंसर निकाला गया है, दैट इज 39.81 ग्राम कॉपर। कर सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन में नया क्या सीखने को मिला, कि कोई भी आयन हो या एटम हो उसके मास में कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि आयन्स इसलिए बनते हैं क्योंकि या तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया गया हो या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज किया गया हो, और इलेक्ट्रॉन्स के लेने या देने से इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के मास इतना कम है कि हम उसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यानी कि अगर आप दो इलेक्ट्रॉन ले लें या दो इलेक्ट्रॉन आप दे दें, आपके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो आता है, लेकिन हम उसे कंसीडर नहीं करते हैं। देखिए डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर ऑफ एन ऑक्साइड, क्या ये मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए, नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, फिर से वही ऑक्साइड और वही आयरन आ गया, ठीक है, इन विच द परसेंटेज ऑफ आयरन इज 69.9 एंड 13.1 ग्राम, सॉरी 1% ऑक्सीजन, ये दिया हुआ है। इस बार हमसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पिछली बार हमसे क्या पूछा गया था, इंपेरिकल फॉर्मूला, वो कितना आया था, Fe2O3 आया था ना, क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है, बहुत अच्छा। आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, अगर आपको बोर्ड में पूछा जाता है या क्लास में कहीं भी, तो आप क्या करेंगे, पुराना वाला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं कि लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3 से ये इतना आता है, ठीक है, क्योंकि अब एक ही चीज़ बार बार बताने के और वीडियो का लंबा करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। तो देखिए एक चीज़ तो क्लियर है आपको, कि आपको ये मिलेगा इंपेरिकल फॉर्मूला,
ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। और ये एन कैसे मिलता है हमें, हाँ, मोलर मास या मॉलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो देखिए पहले मोलर मास निकाल लेते हैं, दिया तो है नहीं, हम खुद निकाल लेंगे। तो Fe2O3 का कैलकुलेट करिए कितना आएगा, आई थिंक आएगा 160 ग्राम। ठीक है, कैसे आएगा देख लीजिए, आयरन की एक एटम का मास 56, दो एटम का मास 112, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, थ्री एटम का मास 48। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 160 ग्राम। ये है हमारा मोलर मास, हमने कैलकुलेट किया है। अच्छा, हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी निकाल सकते हैं, कहाँ से, एम्पिरिकल फॉर्मूला से। क्या इसको भी सॉल्व करेंगे तो 160 ग्राम ही आएगा, आएगा ना, देख लीजिए फिर से वही 56 × 12 = 112 and 16 × 48। ये आ गया आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ये आपको मिल गया मॉलिकुलर फॉर्मूला मास, ये आप चाहें तो इसको मोलर मास भी कह सकते हैं। तो बताइए एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मॉलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये भी 160, ये भी 160, सॉल्व करेंगे कितना आ गया 1। और बताइए फॉर्मूला क्या होगा, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, एन की वैल्यू 1 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला Fe2O3 है, 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे नंबर के प्रोडक्ट पे कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि ये फिर से कॉपी पेस्ट Fe2O3, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यही है, कर सकते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द मास एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है, हमें इसका मास एवरेज निकालना है। मास एवरेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला सिखाया गया था, अगर आपको परसेंटेज अबंडेंस दिया गया है, क्या दिया है, परसेंटेज अबंडेंस, यानी कि परसेंटेज में आपको वैल्यू दी गई है, तो एम एवरेज का फॉर्मूला हमने सीखा था, m1 into a plus m2 into b plus m3 into c plus so on। अब वो जितने दिए रहेंगे आइसोटोप उसके हिसाब से हम करेंगे, दो दिया है तो इतने लिख लेंगे m1 a plus m2 b, तीन दिया है तो m1 a m2 b m3 c, चार दिया होता तो m1 a m2 b m3 c और m4 d। अच्छा, इसके अपॉन में हम a plus b plus c plus d नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जब परसेंटेज अबंडेंस दिया है तो सबका परसेंटेज मिला के कितना आता, 100%, और 100% की वैल्यू देखिए कितनी होगी, परसेंटेज का मतलब अपॉन 100, सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा 1। क्या इस नंबर के अपॉन 1 लिखने से कोई भी चेंज आएगा, नहीं। तो जब भी आपको परसेंटेज अबंडेंस दिया है तो फॉर्मूला ऐसे यूज करें, अगर आपको फ्रैक्शन दिया है, कई बार आपको फ्रैक्शन दे देगा या मोल रेशियो दे देगा, अगर मोल रेशियो दिया है तब आप एम एवरेज का फॉर्मूला ऐसे यूज करेंगे, m1a plus m2b plus m3c upon, आगे भी हो सकता है, हम तीन के लिए लिख रहे हैं a plus b plus c, यानी कि उस केस में अगर आपने यहाँ पर मोल रेशियो यूज किया है जहाँ पे a b c आपको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में आप a plus b plus c यानी कि नीचे वाले पार्ट को इग्नोर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नंबर आता है जो कि 1 से बड़ी होती है, क्योंकि अगर वो 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, 1 तो नहीं आएगा, तो उस केस में आपकी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको याद रखना, जब भी परसेंटेज अबंडेंस दिया है आप नीचे वाले पार्ट को हटा दीजिए, बस ऊपर वाला पार्ट को रख के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे इस क्वेश्चन में हमें परसेंटेज अबंडेंस दिया हुआ है, यानी कि हमें ऊपर वाला सिंपल सा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है ना, ठीक है, ये परसेंटेज का नेचुरल एबंडेंस दिया परसेंटेज में, और ये हमें दिया उसका मोलर मास, बस फटाफट लगा दीजिए फॉर्मूला। तो देखिए एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है, m1a plus m2b upon a plus b, ये दो के लिए है, लेकिन तब हम ये यूज करते हैं जब मोल्स दिए हों, क्योंकि यहाँ परसेंटेज एबंडेंस दिया था, हमें a plus b लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है,
तो आगे क्या इन केस ऑफ परसेंटेज अबंडेंस एवरेज एटॉमिक मास इज एम वन ए प्लस एम टू बी। आपको एम वन ए दिया हुआ है 34.9689 इंटू ए, ए क्या हमारा परसेंटेज अबंडेंस, इसको थोड़ा सा नीचे करना होगा ना आपको दिखे, ठीक है। आप देखिए ये है एम वन और ये है इसकी ए, ये क्या है परसेंटेज में है, तो आप परसेंटेज अबंडेंस ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए हमने क्या लिख दिया 34.9689 इंटू 75.77% प्लस इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इतना परसेंट, ये हो जाएगा 24.23%। अब क्या करेंगे, क्योंकि ऊपर का काम हमने नीचे लिख लिया है तब हम इसको ऊपर करते हैं, बस परसेंटेज हटाएंगे अपॉन 100 आ जाएगा, इसको भी हटाएंगे यहाँ अपॉन 100 आ जाएगा, इसको डेसिमल बना लीजिए फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू इतनी मिलेगी 26.4959। इसको भी डेसिमल बना के इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 8.9568। फिर दोनों को ऐड करिए, देखिए कितना मिलेगा 35.4527। और क्लोरीन का हम एवरेज एटॉमिक मास कितना लेके चलता है 35.5, लेकिन एक्चुअल कितना होता है 35.45। सही है, कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इफ 3 moles ऑफ इथेन, सॉरी इन है, इन 3 moles ऑफ इथेन कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब देखिए C2H6 है इथेन, इसकी एक मोल में बताइए कितने कार्बन एटम होंगे, 2 moles कार्बन एटम होंगे, होंगे ना। तो बताइए अगर हम इसके 3 moles लेंगे तो कितने मोल कार्बन एटम हो जाएगा, 3 2 6 moles कार्बन एटम हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए इसे सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए 1 mole C2H6 में 2 moles कार्बन एटम्स होते हैं, तो 3 moles C2H6 में 2 3 6 moles कार्बन एटम्स हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। अब बताइए 1 mole में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6 moles हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 3 moles में कितने हो जाएंगे, 6 3 18 moles हाइड्रोजन एटम्स हो जाएंगे, कर सकते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, ध्यान रहे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, बताइए 1 mole C2H6 में एक Na C2H6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 mole यानी कि एक Na, तो बताइए 3 moles यानी कि 3 Na, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻²³। तो हमने Na के यहाँ पर नंबर रख दिया, फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, हमें वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले तो ये आएगा 18.066। अब देखिए क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट करेंगे यहाँ 1 के पास में, तो ये क्या बन जाएगा 1.8066। जब भी हम डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं हमारा पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है, पावर इंक्रीज होता है, 23 है, एक स्टेप बढ़ के कितना हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सुगर C12H22O11 इन मोल पर लीटर। फिर से देखिए मोल पर लीटर यानी कि मोलैरिटी, इफ इट्स 20 grams आर डिजॉल्व इन एनफ वाटर, 20 grams सुगर मिक्स किया जा रहा है किसमें, वाटर में, टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 liters, ठीक है। और हम उसको इतना पानी मिक्स कर रहे हैं ताकि वो कितना बन जाए, 2 liters फाइनल वॉल्यूम बन जाए। तो देखिए हमें क्या क्या दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है कितना 20 grams, आप यहीं पे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी निकाल लीजिए, जरूरत तो पड़ेगी हमें। देखिए कार्बन का 12 होता है और कार्बन का 12 एटम्स भी है यानी कि 144 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 22 एटम्स यानी कि 22 हो जाएगा,
प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है और 11 एटम्स हैं यानी कि 16 11 का कितना हो गया 176। इसको सॉल्व करिए देखिए कितना आएगा, आई थिंक 342 ग्राम आना चाहिए। अब एक बार कैलकुलेट करके देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए और क्या दिया हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है कितना 2 लीटर, हम इसको क्या बना लें मिलीलीटर, कितना आ जाएगा 2000। बस अब क्या करना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा वाला, हाँ मास वाला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। बस रख दीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट आपको पता है कितना 20, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अभी कैलकुलेट किया था हमने 342, ये 1000 अपॉन 2000, ये ठीक है, ये तो 1000 2000 टू कैंसल, ये 10 3, ये आएगी वैल्यू 10 अपॉन 342, ये पूरा 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से 20 कैंसिल करेंगे 10 टाइम्स में, ऊपर क्या बचा 10 और नीचे क्या बचा 342। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 0.0292 मोल पर लीटर, या फिर इसको हम और क्या लिख सकते हैं, मोलर लिख सकते हैं, सही है, कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ ये भी ईजी क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको परेशान कर सकता है, कर सकता है क्या, आपको करेगा। अब आपको एनसीईआरटी की पहली ऐसी क्वेश्चन मिली जहाँ पे आपको दिक्कत आने की चांसेस हैं, दिक्कत नहीं आएगी अगर आप क्वेश्चन का एग्जैक्ट मतलब समझ जाएं। तो आप क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुन ले, फिर आप एक बार खुद से ट्राई करें, हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या दिया, इफ द डेंसिटी ऑफ मेथेनॉल CH3OH इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर यूनिट का, सबसे बड़ी गेम पहला इसने क्या कर लिया, यूनिट का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, क्यों, क्योंकि क्या दिया, मेथेनॉल की बात कर रहा है CH3OH। हाँ अगर आपने इसको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ले लिया तब तो आपका गेम हो जाएगा, ये क्या दिया हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। आगे पूछ रहा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मेथेनॉल नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर, ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट्स 0.25 मोलर, वो मोलैरिटी है सॉल्यूशन, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, दिस इज आस्किंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। हाँ तो बहुत सिंपल है, पहला काम आप मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लें, फिर मास ऑफ सॉल्यूट को किस पे बना लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट से, कैसे बना लेंगे, क्योंकि डेंसिटी तो दिया हुआ था, फॉर्मूला लगा देंगे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूट, फिर वहां से कैलकुलेट करेंगे आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगी। तब आप वीडियो पॉज करिए, फटाफट ट्राई करिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। कर लिया आपने, आगे बढ़े, गुड। देखिए मोलर मास ऑफ मेथेनॉल कितना आएगा 32 ग्राम, क्योंकि ये 32 ग्राम दिया है और मुझे किस में निकालने है? सब किलोग्राम पर लीटर में डेंसिटी दिया है, हम इसको क्या बना लेंगे, किलोग्राम में, यानी कि 32 डिवाइडेड बाय 1000, सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा 0.032 किलोग्राम आएगा। चलिए अब फॉर्मूला लगाते हैं मोलैरिटी का, क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो चलिए देखिए यहाँ से आप क्या करिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करिए, सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हो जाएगा 0.625, ये आपको क्या मिल गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि अगर आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है 0.625 तो क्या आप मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए, क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.625, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि CH3OH देखिए कितना आएगा 12 3 15 16 एंड 16 32, मल्टीप्लाई करिए ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, सॉल्व करके देखिएगा 20 ग्राम आएगा, क्योंकि हमें डेंसिटी किलोग्राम में दिया है, हम इसको क्या बना लें, किलोग्राम, देखिए ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 1000, इसे इसको उड़ा दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 0.02 किलोग्राम, मिल गया। अब क्या करिए, फॉर्मूला लगाइए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट D2 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, D2 आपको दिया है
0.793, इसको ले लिया 0.793 किलोग्राम पर लीटर, यानी सब वैल्यू किलोग्राम और लीटर में रहेगा। ये वैल्यू आएगी 0.02 किलोग्राम और ये किस में रहेगा, लीटर में। अब एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको यहाँ लेके आइए, इसको वहाँ लेके जाइए, तो ये क्या बन जाएगा, V2 इज इक्वल टू 0.02 अपॉन 0.793, क्या आएगा ये, लीटर में आएगा। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, कैलकुलेटर सो दिस इज 0.02 डिवाइडेड बाई 0.793, दिस इज गोइंग टू बी 0.2522, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.2522, ठीक है, इतना लीटर आएगा। आप चाहें तो इसको मिलीलीटर बना लीजिए, मिलीलीटर बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो देखिए अगर मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये 3 डिजिट्स 1, 2, 3 यहाँ चला जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 25.1 मिनट, ये वैल्यू चेक करना पड़ेगा ना, एक काम करिए आप वैल्यू को फिर से देख लेते हैं, कैलकुलेटर कहाँ गया, दिस इज 0.02 डिवाइडेड बाय 0.793, दैट इज इक्वल टू 0.02522 आएगा। सो वैल्यू वी हैव गॉट इज 0.02522 लीटर, इसको आप मिलीलीटर में बना सकते हैं, ये हो जाएगा 0.02522 इंटू 1000 मिलीलीटर। सॉल्व करेंगे तो 1, 2, 3 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी डेसिमल की और ये हो जाएगा 25.22 मिलीलीटर। आंसर देखिए मैच कर लीजिए, ये देखिए ये वैल्यू आ जाएगी 25.22 मिलीलीटर, कर सकते हैं। अब आपको हम समरी करा देते हैं, आपको ये समरी पूरी कोशिश करनी है कि याद हो जाए। देखिए क्या था पहला कंसंट्रेशन टर्म, वेट बाई वेट परसेंट, इसमें पहला W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, दूसरा क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। सो देखिए W2 अपॉन W3, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब देखिए वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। वी बाई वी का फॉर्मूला, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। नेक्स्ट हमारा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, ये क्या होता है, वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले वेट बाई वॉल्यूम परसेंट और वेट बाई डेंसिटी, सॉरी वेट बाई वेट परसेंट में क्या रिलेशन है, सो आप कहेंगे सर वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंट मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला था मोलैरिटी, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन हम हमेशा किस फॉर्म में यूज करते हैं, मास वाले फॉर्म में। हम क्या लिखते हैं इसको, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सो दिस विल बी W2 अपॉन MM2। और ये जो वॉल्यूम इन लीटर दिया है, इसको हम किस में रखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 1000, सो W2 into 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसमें वेट बाई वेट परसेंट में क्या था मोलैरिटी का फॉर्मूला, 10 इंटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई वेट परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका वेट बाई वॉल्यूम परसेंट में भी एक रिलेशन है, क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू वेट बाई वॉल्यूम परसेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको याद कैसे रखना है, अगर आपको ये याद है तो आपको ये भी पता होगा वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी का फॉर्मूला कितना बनता है, वेट बाई वॉल्यूम के इक्वल, अभी ऊपर पढ़ा हमने, तो इस सबको हटा के हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट बन गया हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट है मोलैलिटी, मोलैलिटी एम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसका सेकेंड फॉर्मूला
हाँ डब्ल्यू टू अपॉन एम एम टू, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिस किसके इक्वल होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। अब जो हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इसमें दिया है किलोग्राम है, उसको किससे बना लेंगे ग्राम में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। नेक्स्ट देखिए मोलैरिटी और मोलैरिटी में रिलेशन। सो मोलैरिटी एम इज इक्वल टू 1000 टाइम्स ऑफ मोलैरिटी अपॉन 1000 टाइम ऑफ डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये बहुत ही काम का रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए। कई बार आपसे मोलैरिटी दे के मोलैरिटी पूछ लेगा, तो आपको यहाँ से कैलकुलेट करने आना चाहिए। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं काई से, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे इन जनरल एक्स ही पढ़ेंगे। तो एक्स टू इज इक्वल टू हाँ एन टू अपॉन एन टी, यानी कि टोटल मोल्स। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा एक्स वन दैट इज एन वन अपॉन एन टी, यानी कि जिसका निकालना है उसके मोल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेंगे अपॉन टोटल मोल्स। यहाँ हम क्या कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हैं, हम क्या लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट रिलेशन ये था, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं उनका सम क्या आता है 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दोनों का सम हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। नेक्स्ट हमारा ppm पार्ट्स पर मिलियन, हाँ पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है वेट बाय सॉल्यूट या वेट बाय वेट परसेंट कह लीजिए वेट अपॉन वेट दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 10^6। क्यों? क्योंकि मिलियन का मतलब होता है 10^6 का ऑर्डर। अब इसका दूसरा टर्म आप कैसे लिख सकते हैं वेट बाय वेट परसेंट, उसके लिए क्या करना होगा इस पावर को 2 times कम करना होगा, यानी कि वेट बाय वेट परसेंट इंटू 10^4। नेक्स्ट देखिए पार्ट्स पर बिलियन दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^9, लेकिन जब आप वेट बाय वेट परसेंट लिखेंगे तो पावर को फिर से 2 से डिक्रीज करेंगे और वो कितना हो जाएगा 10^7। क्यों हो रहा है ये हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, आप पुराने लेक्चर्स लेक्चर नंबर 20 देख लीजिए, वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।